राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया शनिवार को फूलपुर से जयपुर जाते समय दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुकी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से वसुंधरा राजे का स्वागत किया। हालांकि उसने राज्य का दौसा में पहुंचने का टाइम लगभग 1 बजे का था, लेकिन रास्ते में स्वागत के चलते तकरीबन 6 बजे के आसपास वसुंधरा राजे दौसा पहुंची, जहां कार्यकर्ता बेसब्री से उनका इंतजार करते नजर आए। राज्य के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने पलक आवड़े बिछा दिए, लेकिन स्वागत सत्कार के दौरान भाजपा दो भागों में बटी हुई नजर आई। एक धड़ा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ, दूसरा धड़ा वसुंधरा राजे के साथ नजर आया। वसुंधरा के धौलपुर से जयपुर के दौरे के दरमियान उनके स्वागत में लगे बैनर पोस्टरों से प्रदेश अध्यक्ष के फोटो गायब होना, जिसके चलते अब 2023 में होने वाले चुनाव को भाजपा अपनी जीत के गणित लगाने में लगी है। राजस्थान प्रदेश भाजपा में अब अंतर कर खुलकर सामने आने लगा है, जिसका नमूना आप इस बैनर पर देख सकते हैं, जहां देश भर के बड़े नेताओं का फोटो अंकित है, लेकिन प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फोटो इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह का एक मामला आज से कुछ दिन पूर्व भाजपा आक्रोश रैली के दौरान भी देखने को मिला, जब वसुंधरा राजे का पोस्टर फोटो से गायब मिला। यानी कि कुल मिला के यूँ कहें कि भाजपा अब राजस्थान में दो धड़ों में बटी नजर आ रही है और 2023 में चुनाव जीतने के सपने भी देख रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दो धड़ों में बटी भाजपा आखिर चुनाव किस तरह जीत पाएगी। HN पांडे, पंजाब के सी TV, दौसा।